सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रियलिटी चेक वाली और जॉब कब लगी और कनाडा में कब आए थे। सो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। हाय, माय नेम इज़ जुनैद अंसारी। मैं कनाडा में आया था ऑन अप्रैल 15th, बट मेरा कोर्स चालू होने वाला था 9th of May। सो ऐसा एक रूल है इधर कि आप 9th of May के पहले जॉब नहीं कर सकते। ठीक है। सो मैंने पहले अपनी जॉब ढूंढना अराउंड पहले स्टार्टिंग कुछ दिन मैंने यहाँ पे सब चीज़ें देखी कैसे चलती है कैसे होती है। उसके बाद में मैंने लाइक अराउंड मे बी 5th-6th date से मैंने मतलब अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। 5th-6th date। तो पहले इन द स्टार्ट मेरे को एक बर्गर किंग में जॉब मिली। अच्छा। लाइक अराउंड मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, उसके बाद शायद 10th को लग गई थी जॉब। तो उन्होंने फिर मेरे को बोल दिया कि तुम नहीं हो पाएगा। बट उसके बाद में फिर मेरे को एक्चुअली ये अच्छा फायदा था कि लाइक मैं जिनके साथ रह रहा था उनमें से एक बंदा जहाँ पे काम कर रहा था उसने मेरे को उनके मैनेजर से रिकमेंड करवा दिया। ओके। तो उसके थ्रू मेरे को मेरी जॉब लग गई एंड तब से मैं अभी वहीं पे ही काम कर रहा हूँ। इट्स बीन लाइक 6 months नाउ एंड काफ़ी अच्छा है। मेरे को इजीली अच्छे से जॉब मिल गई थी, वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। बिकॉज स्टार्टिंग से अगर आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको इतनी टेंशन नहीं रहती कि सिर्फ पैसा जा कर रहा है, पैसे की इनकम भी आ रही होती है तो आपको इतना कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। और कनाडा में रियलिटी चेक क्या लगा के कि वहाँ पे क्या लगता था, छोटे से एक सेंटेंस में मैं अपना नहीं बता सकता क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही सोच के आया था कि कनाडा में जैसा मैंने सुना है कि यहाँ पे आके मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे आके अकेले रहने का सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो मैं स्टार्टिंग से मैंने सोच के रखा था कि हाँ ऐसा करना ही है, तो मेरे को इतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। बट काफ़ी लोग ऐसा सोच के आते हैं कि कनाडा जाके तो मौज ही मौज है, वहाँ तुमको बस पैसे उड़ाओ, यहाँ घूमो वहाँ घूमो ये सब करो, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। मैं अब यहाँ पे तुमको बहुत एक टाइट शेड्यूल चलता है, जैसे आपकी क्लासेस चालू हो जाती है तो एक बार क्लासेस चालू हो गई आपके मे बी किसी के 3 दिन क्लासेस होते हैं, किसी किसी के 5 दिन क्लासेस होते हैं। अब उसके हिसाब से आपको किस टाइम पे जॉब मिलता है, तुम्हारा मैनेजर के हिसाब से तुम्हारा शेड्यूल सेट करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके हिसाब से आपका मतलब बाकी के सारे काम सेट कर सकते हो, जैसे कि आप ग्रॉसरीज है, लॉन्ड्री है, ये सब चीज़ें भी आपको लगता है कि हाँ चलो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती होगी बट इसको भी टाइम देना पड़ता है। ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है कि हो जाती है बट करने के लिए अलग से टाइम निकालना ही पड़ता है, 1-2 घंटा आराम से, जो कि निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरी बात ऐसी है कि मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था तब मेरे टाइमिंग्स अच्छे थे कॉलेज के, तो काफ़ी ईजी था मेरा को मैनेज करना। बट अभी लाइक जैसे सेकेंड सेम चल रहा है तो उसमें थोड़े टाइमिंग थोड़े ऊपर नीचे है तो टाइम इतना मिल नहीं पाता है, तो कुकिंग में मेरा कभी कभी ऊपर नीचे होता है एंड ऑल, तो उसके हिसाब से सही है। बाकी तो है अच्छा है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा। बट ये सोच के मत आना कि सिर्फ आपको मज़े ही मज़े करने हैं, यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा और बहुत कुछ है सीखने मिलेगा, धीरे धीरे करके आपको सब कुछ हो जाएगा सर, ऐसा ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया भाई ने, इतना मैंने सोचा नहीं था, बहुत डीप चले जाते हैं तो दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस टू मेक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।